झीलों के साथ मरुभूमि का अनोखा संगम और कहीं नहीं देखने को मिलता है। उदयपुर वो एक जगह है जहां आप अपने साथ समय गुजार सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय गुजार सकते हैं, और अक्सर मैं कहता हूं कि उदयपुर वो जगह है जहां आपको खामोशी सुनाई देगी। अरावली पहाड़ियों के बीच बने इस शहर को विश्व का सबसे खूबसूरत शहर घोषित किया गया है। जो प्रेरणा मेवाड़ के अतीत से मिलती है, उसको शब्दों में बयान करना या पिरोना एक बहुत ही नामुमकिन सा काम है, तो बहुत हौसला मिलता है। आज के समय के अंदर काम करने के लिए बल मिलता है, वो जागरूकता आदमी को तलाश नहीं करनी पड़ती। हमारे आजू बाजू में आप देखेंगे, हवा में, मंजर में, झीलों में, पत्तियों में, शाखों में, आपको इसके अंदर ये सारी खूबियाँ नज़र आएंगी, जिसको काम करने के लिए और आपकी मंजिल को मुकम्मल करने के लिए काफ़ी आसानी होती है। तो अतीत को मैं बिल्कुल ही एक प्रेरणा स्वरूप देखूँगा। उदयपुर एक झीलों की नगरी है, इधर काफ़ी एक इतिहास है जिसकी वजह से उदयपुर को जाना जाता है। और उसके अलावा आज की तारीख में आज के युग में एक एजुकेशनल हब के तौर के ऊपर काफ़ी उभर कर आ रहा है, और म्यूज़ियम्स जो हैं वो आज की तारीख में काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, तो उससे कि आज की तारीख के अंदर उदयपुर के इतिहास के बारे में आपको एक ज़्यादा बेहतर तरीके से जानकारी हो सकती है। वो और ज़्यादा सिस्टमेटिक होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है अपने दिखाने के तरीके में, अपने चीज़ों को पेश करने के तरीके में, जिससे कि बच्चों को, बड़ों को आनंद आए और उनको ये नहीं लगे कि हाँ हमें हमारे घर वाले कहाँ ले जा रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर जाने का एक रोमांच हो, एक दिलचस्पी हो, अपने इतिहास के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में सीखने का एक नयापन लगे, तो इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी तब्दीलियाँ की जा रही है। प्रताप को पाठ्यक्रमों में वापस जगह मिलने वाली है, तो इस चीज़ की खुशी है कि भारत देश के अंदर वापस भारत का एक सुनहरा इतिहास जो है वो वापस पढ़ाया जाएगा।